वैसे तो साहब यहाँ भूमि पूजन भी हो गया है पर बाकी काम चालू नहीं हुआ। एक रोड का जो है बिंद्रास से सीधी वो जाने वाली थी लिम्बा बिबलिया, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। पीनक पानी की समस्या आई रही, बदबू की समस्या आई रही, मतलब ना तो साफ पानी है ना साफ हवा है। तो विकार लिए कभी कोई नेताजी उनसे कहीं कोई नहीं आया नेताजी कमल को फूल के हाथ को पंजो। नियम तो दोनों को पसंद नहीं करते, नोटा करेंगे नोटा, इस बार तो नोटा करेंगे। भाजपा भी काम तो करे कि देखे तो सही कि ये गांव भाजपा का है कि किसका है, फिर उसके बाद भी काम नहीं होता है भाजपा के कांग्रेस कोई पसंद नहीं अभी तो फिलहाल। तो जो आई नहीं तो मतलब क्या रहेगा फिर आदमी को। पानी में मारो घर दसी जो दो बकरी मरीगी, एक बच्चो है और अभी माँ घर चलो देखी लो कहीं स्थिति मारे घर की, कोई रेवा की मारे स्थिति नहीं है रेवा की। अब 15 साल से बीजेपी का मारी हालत हुई है, बीजेपी सरकार मारी हालत हुई। हम तो चाहते हैं कि जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। उसका बीमे की 25% तो ठीक, 25 पैसा भी किसानों को आज तक बीमा नहीं मिला है। नहीं तो आपका जैसे मोहन यादव जी आपका का बता ही रहे होगा, क्लास फेलो रिया है आपका, तो इनसे कभी बात भी क्या नहीं भाई हमारे गांव में इतनी समस्या है। विपिन जी मंदिर में मारे। अच्छा, हमारे मंदिर में विपिन जी। तो ऐसा कैसा दोस्त जगह जगह गाँव मेहमान करे करे चले आओ पाचा गाड़ी भर लेने आठ दो। तो कभी बात तो भी है कि भाई यार हमारा गांव में इतनी समस्या है। गाड़ी चल ले। अच्छा बात करवाएंगे आप गाड़ी उठा के चलता बने। चल चल लो। जय जय श्री रघुनाथ। जय रघुनाथ जी के साहब, चुनाव को माहौल चल ही रही हो तो आज अपन आई गया उज्जैन दक्षिण वाला गांव गोंदिया का मार। गोंदिया का गांव में कितनों का विकास हुई हो, कैसे कई काम चल रही हो, कौन सा नेताजी से लोग खुश है, कौन सा नेताजी से नाराज है, इन सब मुद्दा उन पे आज अपन गोंदिया वाला भाई बहन उनसे बात करेंगे। आप आओ चलो देखा कई माहौल है यहाँ गोंदिया में राजनीति को। पहला सबका पहला आपके सबके जय जय श्री रघुनाथ। एक बात है, गोंदिया की आबादी करीब करीब 1200 वोटर है यानी 2000 की आबादी है। गोंदिया में गया 5-10 साल में जो नवा काम हुआ या ऐसा कोई काम जो गोंदिया का लोग और अपना लिए अपना गांव के लिए करवाना चाहे, ऐसा कौन सा बड़ा काम हो सके? वैसे तो साहब यहाँ भूमि पूजन भी हो गया है पर बाकी काम चालू नहीं हुआ। एक रोड का जो है बिंद्रास से सीधी वो जाने वाली थी लिम्बा बिबलिया, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सुनिया कि वो रोड को 4 बार भूमि पूजन हो चुके हैं, अभी तक काम 1 बार भी शुरू हुआ। तो 2004 में शायद वहाँ अर्थवर्क भी है तो विका बात कभी काम भी नहीं हुआ और 4 बार भूमि पूजन हो चुके ऐसा कही है। हाँ सर ऐसा ही हुआ है और बस भूमि पूजन करके सब चले जाते हैं। अच्छा भूमि पूजन करने विका बात आई नहीं फिर आई नहीं के कही है। अच्छा विकल ये कभी नेताजी उनसे दूसरा से इनसे कोई से बात नहीं हुई कि यार तुम आओ हमेशा भूमि पूजन करी जाओ ना विकाबाद गायब हुई जाओ? बस आश्वासन दे सब आश्वासन देते हैं। हाँ बस आश्वासन देते हैं और कुछ भी नहीं। एक गोंदिया की ये बात भी सामने आई थी कि जैसे टीचिंग ग्राउंड यहाँ पास में ही हो विकाकरण गोंदिया ने एरे मेरे बदबू की भी बहुत ज्यादा समस्या है। दूसरों यहाँ को जमीन को पानी भी खराब हो रही है, पानी खराब हो रही है। 7-6 गांव हुआ था राघु पीड़ा तक, मतलब मैंने गोंदिया किलो ब्रजराज खेड़ी चांदमुख पालखेड़ी करोहण गंगेड़ी राघु पिपलिया ये लिम्बा पिपलिया आसामपुरा गोंदिया। अच्छा जैसे पीनक पानी की समस्या आई रही, बदबू की समस्या आई रही, मतलब ना तो साफ पानी है ना साफ हवा है, तो विकार लिए कभी कोई नेताजी उनसे कोई नहीं आया नेताजी बात करे ना सब नहीं आया नेताजी। एक बार आया था मच्छर खाया तो विनाश लिए आया था, वहाँ क्रचिंग ग्राउंड में ले गया ने 5-6 दिन दवा छंटाट दी पाछा छुट्टी। एक खनिज पिपलानी वाट इनमें कोई 10 वक्त आई गया देखी गया कहीं को नहीं वहाँ देखो तो हमने जई ने अभी निकलवाना लिम्बा पिपले वाला रोड की बात करी रहे। हाँ यह स्थिति है सर अभी कि वहाँ आपसे पैदल नहीं जाओ। अच्छा और इना साल ऐसे बड़ी मुश्किल से हमारी फसल घर लाया हम ट्रैक्टरों ने 2-2 ट्रैक्टर से खींचे लाया हम बड़ी परेशानी आने रास्ता। अच्छा आप में से कोई यो याद आ रही हो कि अपना एरे मेरे का क्षेत्र में हल्का 2-4 महीना में भूमि पूजन कितना कही दिया है? भूमि पूजन तो चलता रहा साहब यहाँ की जगह कही है कि जो आए भूमि पूजन करे बस काम कुछ भी नहीं हो। भूमि पूजन का क्या काम कहीं का नहीं दिया हो रहा देखो काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक चीज जैसे हूँ गांव में भी घूमी रही था यहाँ एक चीज सामने आई कि खनिज संपदा जो है वह यहाँ की गांव की है
लेकिन जब गांव का किसान उनका ही खनिज लेवन जाए अपना लिए एक ट्राली दो ट्राली, तो खनिज विभाग वाला अधिकारी इनके ज्यादा परेशान करे, डंपर वाला उनके नहीं रोके, लेकिन गांव वाला वाला रोके नहीं, बराबर गांव वाला के रोके हुए। डंपर वाला परेशान नहीं करे, कहीं भी गड्ढा गड्ढे हो जाए, रास्ता में गड्ढा हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो वे लेकर रोके उनको किसान। खनिज विभाग वाला मामला में कभी यहाँ का विधायक जी या मंत्री जी है तो बात आप लोगों ने करी है? बात करनी भी तो कोई नहीं जाना, खनिज बराबर खनिज होगा तो खनिज वाला जाना और तुम जानो। अच्छा, ये बोलते हैं वो तो उन्हें तो पहले गांव में यह थे कि गांव की चीज जो कोऑपरेट है पंचायत अंचायत द्वारा वो कोई नहीं रोक सकता है, पर आजकल ये है कि पंचायत वाला भी बोलता है, सरपंच के पास जो जाते हैं तो वो बोलता है कि खनिज वाला जाना तुम जानो, हमारे कोई रिक्शा नहीं है। अरे एक बात और सामने आई थी कि 2019 में उज्जैन तहसील का कोई 18-19-20 गांव ऐसा रह गया था, 2021-22 में ओलो पड़ियो थो, ओला पल्ला की वजह से फसल खराब हुई थी, और वीक का बीमा का क्लेम कर लिए आप लोगों ने बहुत सारी बार आवाज भी उठाई, पर वी पैसा नहीं आई पाया, वो कोई मुद्दों थो। 2022 में ओलावृष्टि हुई थी जनवरी के महीने में, तो उसका बीमा अभी तक भी नहीं आया, और उन्होंने बताया था, शिवराज सिंह जी ने बताया था कि 7 दिन के अंदर अंदर 25% हम डालेंगे बीमा की राशि, आज तक भी नहीं डाली, और अभी भी डालने का थे तो अभी भी नहीं डली बीमा की राशि। बीमा से बात अतम दासा अज्ञा आओ नहीं यार, थोड़ी यूं कह करो पीछे पीछे। बीमा से एक बात याद आई रही, अभी थोड़ा दिन पहला भी यहाँ पे फसल काफी नुकसान भी हो, सोयाबीन के पानी की वजह से पहला सूखा की वजह से फिर पानी गिरो ज्यादा तो इसे नुकसान भी हो, यह भी बात चली रही थी कि साहब चुनाव का पहले अपने पैसा आ ही सके, दूसरा जिला उनमें डली भी पाया कुछ किसान उनके मिले, अभी यहाँ का किसान उनके कहीं नहीं मिले, वहाँ अभी तक कहीं नहीं मिले है। अच्छा, यूं गामड़ा के हिसाब से ये तो खैर समस्या की बात हुई, पर राजनीतिक मूड से अगर अपन जानने की कोशिश करा तो राजनीतिक मान से कमल को फूल के हाथ को पंजो, नियम तो दोनों को पसंद नहीं करते। अच्छा, क्यों हमारा काम नहीं करे, बीमा अभी तक नहीं मिला हमें 2022 का ही, तो किसको भी नहीं, नोटा करेंगे, नोटा इस बार तो नोटा करेंगे, इस बार नोटा करेंगे। हाँ, आप को अगर व्यक्तिगत में आपकी राय जानना चाहूँ तो भाजपा के कांग्रेस? नहीं, वैसे तो हम शुरू से ही भाजपा में है, पर फिर भाजपा भी काम तो करे कि देखे तो सही कि ये गांव भाजपा का है कि किसका है, फिर उसके बाद भी काम नहीं होता है। अच्छा, परेशान होते रहते हैं, मतलब ओलावृष्टि में ये हालत थी हमारे साहब कि सब खत्म हो चुका था, यहाँ अधिकारी आए उनने भी लिख दिया कि 100% खत्म है फसल, पूरी खत्म हो गई, उसके बाद भी हमको नहीं मिला, सिर्फ राहत राशि मिली और 25% उसके साथ बीमा मिलने का था, वो भी नहीं मिला। उसके बाद अभी बोल रहे थे कि एक जनसभा यहाँ पे होगी रतलाम में, और रतलाम में जनसभा में सबको दिया जाएगा बीमा, उसके बाद भी कुछ भी नहीं मिला, आश्वासन से आश्वासन कुछ भी नहीं मिला आज तक बीमा। उज्जैन जिला से बीमा कंपनी ने अनी खाली इस सीजन में कोई 5-10 अरब रुपया लिया वेगा, आप लोग के बीमा मिली पाया कि नहीं, आपके फसल नहीं मिली पाया? नहीं मिली पाया, नहीं। अच्छा, 2021-22 का लिए भी हमारे साथ ध्यान है, आप 4-5-6 बार सगला गांव वाला मिली, कलेक्टर का ऑफिस भी गया था, गए थे ना भी कर लिए, फिर आगे कई कड़ी बात भी कहीं हुई नहीं अभी तो फंसी। अच्छा, राजनीतिक लिहाज से अगर मैं सवाल पूछूं तो भाजपा के कांग्रेस की क्या पसंद? दो ही पसंद नहीं अभी तो फिलहाल, तो जो आई नहीं तो मतलब क्या रहेगा फिर आदमी को, दो ही पार्टी से अपना कोई लेना देना नहीं। एक दासा भी बहुत देर से कई किरणों चाह रहा था, वहीं भी भीड़ में भी रोकी के बोले हुआ अलग से बताऊंगा, तो अलग से कह कहा कमरा में ले जाकर बताएगा मार दादा, बता बता तुम्हारे कमरा में ले जाओ, बता 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 हमारा घर है, चलो देखो पानी में मारो घर दसी जो, दो बकरी मरीगी, एक बच्चो है, और अभी माँ घर चलो देखी लो कहीं स्थिति हमारे घर की, कोई रेवा की हमारी स्थिति नहीं है रेवा की, अब पानी में घर दसी जो प्रावधान है सरकार की तरफ से, हमारे कहीं नहीं मिलियो। अच्छा, आपने कहीं अपील करी? 15 साल उज्जैन पंचायत आवास योजना। अच्छा, आवास योजना झूठा आश्वासन है, आवास योजना आवास योजना, आज तक आवास योजना नहीं आई, प्रधानमंत्री आवास नहीं, मुख्यमंत्री आवास नहीं, लाली बेना आवास नहीं आई, और ना राहत राशि आई। अपना साथ है भारतीय किसान संघ वाला तहसील का अध्यक्ष हमारा बड़ा भाई मान सिंह जी भी यहाँ है। मान सिंह जी बड़ा भाई साहब, जो ये गांव की एरे मेरे का जिस तरह दूसरा जो गांव है इनका भी किसान उनकी आवाज़ उठाता रहे हमेशा, इनसे मुलाकात जब भी वे कलेक्टर कार्यालय का आवाज हुए झट ज्ञापन अपन लेके पहुंची जाए, अभी थोड़ा दिन पीड़ा तुम्हारे ध्यान हो तो अपना चैनल पर दिखाया तो ये सूखी सोयाबीन की फलियाँ लेके वहाँ कलेक्टर के यहाँ पहुंची गया था, ऐसे उनका आंदोलन चलते रहे जनता के लिए कहीं ना कहीं। भाई साहब से जड़ा है चुनाव को माहौल गाँव को कहीं कह रहे हो? चुनाव का माहौल तो अभी अधोगति में है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमने देख लिया अभी जो वर्तमान में भी सरकार है किसानों के साथ में छलावा किया है, दोहरी राजनीति करते हैं,
राजनेता, यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, क्योंकि 7 जनवरी 2022 को जो ओलावृष्टि हुई थी उसके लिए हमने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया था, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने भी भ्रमण किया था और जनता को आश्वासन दिया था उन लोगों ने कि हम आपका बीमा दिलवाएंगे, और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि 25% बीमा एक हफ्ते में हम डालेंगे, लेकिन आज 24 से 25 महीने हो चुके हैं, उसका बीमे की 25% तो ठीक, 25 पैसा भी किसानों को आज तक बीमा नहीं मिला है। तो किसान किसको वोट दे, वोट की का विषय है, तो किसान किस पे विश्वास करे। तो हम तो चाहेंगे जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। दूसरा ये है कि अभी जो जल भराव सूखा से, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि मेरा मकान गिर गया, किसी पटवारी ने या ग्राम सेवक ने आके उनका सर्वे किया, उनके मवेशी मर चुके, उनको मुआवजा दिलवाया गया, कोई नहीं आता, कोई प्रतिनिधि भी नहीं आता है यहाँ पे। वोट के समय सब राजनीति करने आते हैं, ऐसा हमारा मानना है। एक चीज मुझे जानना चाहिए तो कि जैसे अभी किसान के नुकसान की बहुत सारी बात चली रही, वही 2021-22 को शायद आपके क्लेम नहीं मिली पाए, अभी का बाद अभी जो नुकसान भी अभी को भी कई थोड़ा दिन पहला चुनाव आचार संहिता लगभग पहला या बातचीत चली रही थी, कलेक्टर भी कह रहा था, दूसरा भी कह रहा था कि गांव तरफ सर्वे करवा वाला लोग आएगा, ऐसा कोई व्यू अपना इधर कोई सर्वे या कोई नहीं आया, सर्वे करवा वाला कौन आया, कोई भी नहीं आया आज तक भी। अच्छा, सब आश्वासन देने आश्वासन खाली कही दिया, आया है मिला कोई भी कौन नहीं। अच्छा, जो गोंदिया है गांव, यो शायद शुरू से यूं कहला है कि यार भाजपा और संघ वालों गांव रियो है, पर अनी बार माहौल यहां को कई के अब अनी माल माहौल यो जे बीच में आदाड़ में अपने साथ एक और दास साहब है, दास साहब ने शायद अभी तक मेरे ख्याल है जिंदगी में कितनी 25-30 बार तो वोट डाली चुका होगा, 77 वोट डाली रहा है। शिक्षा अधिकारी ने क्लास फेलो मेरा, अरे वो भी देकर मैं दुखा दूंगा। नहीं, पर जैसे अपन गांव का हित की बात करी रहे, पार्टी अपनी जगह कोई भी आए, मामा जी आके बैठे के काका जी आके बैठे, गांव की जो बड़ी आवश्यकता है आज की तारीख में वी कई है, जो पानी वगैरह पानी बिजली समस्या खा लो, बच्चा वहाँ काम चलेगा। नहीं तो आपका जैसे मोहन यादव जी आपका आप बता ही रहे हो क्लास फेलो रिया है आपका, तो इनसे कभी बात हुई कि नहीं कि भैया हमारे गांव में रुपये मंदिर में हमारे यहाँ हमारे मंत्री जी आप कह रहे क्लास फेल हो रहा, कौन सी क्लास में पढ़े साथ में? वो 9th में। अच्छा, 9th में पढ़े। नहीं तो जैसे यहाँ कभी यहाँ का मंत्री भी है, 2 बार से 10 साल से विधायक है, गांव में आया भी वेगा, आपसे मिलिया भी वेगा, तो कभी आदमी पर आया था अभी, तो कभी बात तो भी है कि भाई यार हमारा गांव में इतनी समस्या है, गाड़ी चल ले। अच्छा, बात करवाएंगे आप गाड़ी उठा के चलता बने, चल चल लो। अच्छा, कहा वगैरह आती दस बारह कहा रही थी अभी, आठ लोग चले, जल खुदा गए, करुण गए, इधर गए, रवाना हो गए। तो हूँ एक तरफ की बात कभी करूँ भी नहीं, यानी वास्ते लोग मार पसंद भी करे, कांग्रेस वाला उनको भी वो जान ले कहा को यहाँ गांव में जो आए कांग्रेस का वोट नहीं था, कांग्रेस का वोट नहीं था हम। अच्छा, कांग्रेस हम वोट नहीं था, मने दोस्त है तुम्हारा, सुने नहीं, गाड़ी उठाई के चल दे, उसका बाद भी वोट दोस्त के जाएगा, गजब दोस्ती हो साहब, जय हो आपकी। फसल बीमा की बात चली रही तो एक और बात है, क्यों था साहब फसल बीमा के मामला में आप लोगों का मिल लियो कहीं अभी फसल बीमा? अभी हमारे मतलब 5 करोड़ का लगभग बता रहा है, 170 जिला में, और 170 करोड़ रुपए प्रीमियम कटे हमारी, मने आखा जिला से खाली बीमा कंपनी 165 करोड़ रुपए किसान उनका ही लेके। हाँ, बस जिमी की वर्क। अच्छा, जिमी बस काम कहीं भी नहीं, बस ये मतलब प्रीमियम ज्यादा और रिटर्न कम, रिटर्न कम, तो किसान परेशान हो ही रहे हैं। और बीमा तो उद्योगपति लगा, तो एक बिल्डिंग जलती है तो एक को ही मिलता है, और किसान को भी तो मिलना चाहिए। अगर उद्योगपति की एक बिल्डिंग जल रही है तो उनको एक को ही देते हैं, और किसान को सबको नुकसान हो जब भी नहीं दे रहे, और उद्योगपति जाना करके भी आग लगा देते हैं और फिर बीमा ले लेते हैं, और किसान अपना पीछे पीछे रोते हैं, आज तक भी कभी बीमा नहीं मिला उनको, और जेब से दो दो एक साल में 2 बार बीमा करता है। ये आग लगावा से एक और बात हमारे याद आ रही,
अपने यहाँ गोंदिया का टीचिंग ग्राउंड जो है हर साल आग लगवा की एक परंपरा शुरू हुई है, हर साल आग लगे और आप लोग भी खुदेज करे सब लोग खाली माली भटकाव के लिए। और उसके बाद हम हमारा किसान नेता का साथ वहाँ कोठी पे भी गया एक दो बार, तो वहाँ भी हमने सब कलेक्टर और सब आया तो बोले अभी तक हमारे पास आंकड़े ही नहीं आए बोले दो दो साल। अच्छा जनी टाइम हर साल आग लगे वन टाइम यहाँ माहौल कैसे कही मतलब दम घुटाते रहे धुआं सर सांस लेना मुश्किल हो जाए हमारा पूरा गांव में धुआं ही धुआं हो जाए और कड़वा धुआं रहे बहुत खतरनाक धुआं है सर जहरीला धुआं है सर। वो क्या करते हैं कि उनको मलबा साफ करना रहता है, कुछ कारखाने लगाने रहते हैं कि उसके द्वारा वो जो वहाँ से शहर से जो गंदगी आ रही उसको खाद में कन्वर्ट करें, वो करते नहीं है और साल भर का इकट्ठा करके उनको जब लगता है कि इसको अब आग लगा दो तो वहीं अप्रैल मई में आग लगा देते हैं, वो आग के द्वारा साफ कर देते हैं जबकि उनको खर्च करके उसको कन्वर्ट करना रहता है ताकि गांव में बदबू न फैले गांव में गंदगी न फैले तो आग लगा देते हैं। दादा कई हुई क्यों कई समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या यह है पानी तालाब में आयो घुसो घर दसी गयो, दो बकरी मरी गई, एक बच्चो बचो इतरो बड़ो, दो बकरी मरी गई और पेटी में गाँव तभी खराब हुई और पूरा तेस नेस हुई। अच्छा तुम काम धंधो कहीं करो? काम धंधो मजदूरी करूँ दो एक बीघा जमीन है और कहीं करूँ। तो तुमने इन्हीं चीज की शिकायत मंत्री सरपंच से करी? मंत्री फोटो लइयो सरपंच फोटो लइयो पटवारी फोटो भेज दिया भी बोले कलेक्टर साहब कन जाओ, कलेक्टर साहब कन जाओ तो बोले मंत्री कन जाओ, फिर रोटी बने न्या खे हम रहा कहाँ समस्या हमारी है। बीजेपी का सरकार बीजेपी सरकार में हमारी यह समस्या है। इंदिरा आवास आ रही, प्रधानमंत्री आवास आ रही, लाडली बहना आवास आ रही, योजना आ रही, मुख्यमंत्री आ रही, आज तक कोई नहीं आया। मतलब तुम्हारो यो कहने को मतलब है कि तुम्हारे आज तक कोई सी भी योजना को लाभ नहीं मिली पाया? आज तक कोई योजना को लाभ नहीं मिलियो। अच्छा या तो होगी तुम्हारी समस्या की बात ना? अब मके थोड़ा सो ये बता दो कि इन्हीं बार तुम की सरकार चाह रही हो बीजेपी की चाह रहा हो कि कांग्रेस की चाह रहा हो क्यों चाह रहा हो? बीजेपी की सरकार मारे एक मिनट नहीं चाहे, 15 साल से बीजेपी का मारी हालत हुई है, बीजेपी सरकार मारी हालत हुई, हम तो वोट आए कांग्रेस के। तो यो है साहब गोंदिया गांव और गोंदिया गांव में यहाँ लोगों से अपने सबसे काका जी से मामा जी से बुआ जी से फूफा जी से सबसे इंसाफ पढ़ने बातचीत करी और गोंदिया को माहौल कई रहो यो सब आपने देखियो। अपनी यह जत्रा निरंतर जारी रहेगी, अगली सीजन में अगला सीरीज में आपके कई और कणी और गाँव में मिलांगा। जय रघुनाथ जी की। जय रघुनाथ जी।